आदर लिया दिन के एक हिस्से में, और दिन के एक हिस्से से शाहबादी फरमान में हदीस हिस्सा में मेरे बाबा का चेहरा प्यारे नबी की शान बयान कर रहा हूँ, मेरे बाबा का चेहरा चौदहवीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। जवानों से मुझे बड़ी उम्मीद है, ठीक है ना, बात पहुंचे तो बोलना, शर्मा सोचना, एक बुजुर्गों से दुआ चाहिए, महसूस करता था आप मेरे अपने बदन के लोग महसूस कर रहा हूँ फरमाती थी बातें नहीं यार दिन के हिस्से थे आज से मेरे बाबा, और दिन के हिस्से थे चौदहवीं रात के चांद के उम्मत वो है सूरज के आगे जिसके चेहरे मांग पड़ता है, मोहम्मद वो है जिसके आगे सूरज मांग पड़ता है। आप प्यारे नबी की शान सुन लो, इसलिए कि मेरा मौजूद है सिरात मुस्तकीम, और सिरात मुस्तकीम बने ही तब जब मोहम्मद कदम रखेगा। बड़ा घबरा के सुना है भाई, जो परेशान हो गए जवान कम से कम बोलते हैं मेरे साथ क्या क्या रहे कभी सिरात मुस्तकीम क्या। देखो आज तो रोड पे उतरे रोड पे से शहर है ये रास्ते हैं जो खुले हुए सबके लिए, पता है सबको कौन से रास्ते से जाना है कौन से रास्ते से आना है। उस जमाने में रास्ता किसे कहते थे, एक मंजिल से दूसरी मंजिल के दरमियान जब मुसाफिर सफर करता था उस सफर की वजह से जो उसके नक्शे कदम उसके हिस्से पे बन जाते थे उस तारा पे, उन नक्शे कदम को कहा जाता था रास्ता। नहीं बोलता था यानी एक मंजिल से दूसरी मंजिल के कदम कर रहा है सफर कर रहा है तो वो पैरों के निशान बन जाएंगे, उन पैरों के निशान को कहा जाता था रास्ता। इजाजत है मैं आप दोनों के साथ चादर में आता हूँ
वालों जवानों तुम्हारा इम्तिहान है, मैं इंतजाम पेश करता हूँ। जवान दोनों से बैठे इजाजत है मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। वैसे ये वाकया कहाँ होगा? नाना इजाजत है और वो वाक्य क्या है? मस्जिद है। मस्जिद है, अल्लाह के नबी सजदे में है। हम फातिमा को
ये उनके बाबा है, ये उनके शौहर है। पर हाँ तो मेरा जब हम से लिखा पढ़ोगे तो लोग शायद कुछ और आए। पर हाँ देखो ये बड़ी एक बेटा ये बनान दो बेटे बनून तीन या तीन से जिससे निकला बनूहा। अब आपका सालों साथ में कितने बेटे हैं? दो बेटे चार पास तो इधर तो इब्रान होना चाहिए। इधर बनूहा क्यों कहा? कहा अगर इब्रान कहता तो तहार फसने पर रुक जाती। बनूहा कह के इस बात का ऐलान किया नसर सैयदा में इमामत जहां जाए तहार साथ साथ आए। और आप
खुदा का बदला है, शेर खुदा का बदला है। अल्लाह के हाथ से काफिर का से करवा शुरू काफिर लहरा हो गया। अब देखो काफिर होने के बावजूद अली की इतनी मार्फत रखता है, इतनी मार्फत अली की रखता है, लेकिन क्या अली काम का, क्या अली मैंने सुना है आप बड़े सच्ची है। Ah!
पानी अंतर से बोलना है जन्नत धरना का बाबा मेरे का इंशाल्लाह अल्लाह का कुछ जो है जब कुरान से ये मंदिर पेश किया वाह वाह कुरान की आयत की रोशनी फिर और फैसले हो कई सारे फैसले हो ये मामला था करबला का से अब्बास वाला ने अपनी सवारी को हेड लगाई
और हाशिम के जवानों की सवारियों को अबूर किया, बीवियों की हमारियों को अबूर किया, सामान सफर वाली हमारियों को अबूर किया। खलीफे ज़हरा की सवारी के पास आए, रोक के कहने लगे, मौला कुछ देर के लिए काफिले पर रोक दो। बस आखिरी जो मैं कह रहा हूँ छोड़ दूंगा, मौला कुछ देर के लिए काफिले पर रोक दो। गरीब दाहर ने कहा, अब्बास अभी तो सबसे ज्यादा एक लाल थे, अभी तो सबसे रुख सक ले थे। खाजी ने कुछ कहा नहीं, जो इस घराने के मसाइल महसूस करता है उसे कहा। खाजी ने कुछ कहा नहीं, बस पलट के देखा। अब जो मिला पड़ी ना कुछ कमीजों के झुरमट में हुसैन की बीमार बेटी आ गई, हाथ कमर पे से आवाज के दीदार में थी, महलन महलन या भी ओ बाबा कुछ देर के लिए रुक जाओ बाबा, सुहराब ने अकबर को भी भर गए। अल्लाह हुक्म अल्लाह 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 अल्लाह